जय श्री राम मित्रों। गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके दो राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था। फिर राम जी के साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए? मित्रों, जब दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब महल से निकले, तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ भेजने में इतनी देर की, अब माता जी के पास जा रहे हैं, पता नहीं माता जी अब कितनी देर करेंगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है, यह भी हो सकता है कि माताएं मेरे साथ जाने की आज्ञा ही ना दें और मेरा काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि चाहे मेरा काम बने या बिगड़े, किंतु हमारे संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारे संस्कार बने रहना चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दी, जाओ माता जी से आज्ञा ले आओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ भेजने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ, ऐसा ना हो गुरुदेव चले जाएं। जानती थी संतों का सानिध्य कोई बिरला ही पाता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु जी के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है, कुछ लोग कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ से उनके दो राजकुमार मांगे थे, किंतु लक्ष्मण जी का नाम नहीं लिया था, फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए? भरत जी या शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते हैं। राजसभा में जब सभा लगी थी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को वहां बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के दाएं ओर बैठ गए। फिर भरत जी आए, भरत जी दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। इसके पश्चात लक्ष्मण जी आए, वह फिर राम जी के साथ बगल में दाएं ओर बैठ गए। शत्रुघ्न जी आए, वह बाईं ओर भरत जी के पास बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी ने पूछा, दो पुत्र किस ओर के चाहिए, दाएं ओर के या बाईं ओर के? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा था, मुझे आपके दाएं ओर बैठे हुए दोनों पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाएं ओर के इसलिए कहा था कि उन्हें काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों की ओर संकेत किया, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए। और जिस कार्य के लिए विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर गए थे, उन्होंने वह पूर्ण किए। सभी दानव सभी राक्षसों को मार गिराया, साथ ही ताड़का का भी वध किया। मित्रों, भगवान की व्यापकता ही उनकी सुलभता है। आप राजा हो या रंक, साधन युक्त हो या साधनहीन, बस आप उन्हें प्रेम दें तो वे आपकी सुनने लगते हैं। माता सबरी के प्रेम से ही रीझे थे भगवान। सबरी अपनी चिंता नहीं करती थी, राम जी की चिंता करती थी। सोचती हैं, ना मालूम कहाँ होंगे, कुछ खाया होगा या नहीं, सीता जी भी साथ नहीं होंगी ना, ऐसा सोचते सोचते सो जाती और रोज सुबह फिर वैसा ही करती। दोपहर होने को है, राम जी अभी तक नहीं आए, धूप तेज है ना, कहीं विश्राम करने लगे होंगे, शाम ढल गई अभी तक नहीं आए, अब तो दिन जा रहा है, कल आते होंगे। रोज 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 हिम्मत नहीं हारती, अपना मन समझाती हैं, क्या हुआ जो आज भी नहीं आए, गुरु जी का वचन मिथ्या हो ही नहीं सकता, कल आते होंगे, मैं कुछ साधन नहीं कर पाई,
यह तो गुरु जी की कृपा है कि वे आएंगे। मालूम नहीं राम जी खड़ाऊ पहनते हैं या नहीं। वन के मार्ग में तो कितने झाड़ झंझाड़ हैं, कंकड़ हैं, कांटे हैं। एक काम करूं, उनके मार्ग में झाड़ू लगा दूंगी, पर यह तो नहीं मालूम कि वो कौन से मार्ग से आएंगे। तो सब तरफ झाड़ू लगाती हैं, रोज सुबह निकलती हैं, आज इस तरफ जंगल में निकलती हैं, चलती चली गई, झाड़ू लगाकर पगडंडी बनाती हैं। मन कुटिया में पड़ा है, कहीं आ तो नहीं गए होंगे, मुझे कुटिया में ना पाकर भूख से प्रतीक्षा तो ना करते होंगे। नाराज होकर चले तो नहीं जाएंगे, वापिस दौड़ी आती हैं। सालों साल बीत गए, आस नहीं टूटी, सब्र नहीं छूटा, बूढ़ी हो गई। सब मजाक उड़ाते कि बुढ़िया पागल हो गई है। पगली ने जंगल में रास्ते ही रास्ते बना दिए। शबरी को अपमान अपमान नहीं लगता, कई कई मील तक रास्ते बने हैं, पर शबरी थकती नहीं। भगवान कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं मैं चूक न जाऊं, उनके पैरों में कांटा नहीं लगना चाहिए। आज वर्षा बहुत हो रही है, राम जी कहाँ होंगे, कहीं भीग तो नहीं रहे होंगे। लक्ष्मण जी उनके साथ होंगे, वे व्यवस्था करते होंगे। रो रो के आंखों में जाले पड़ गए, नाम ले लेकर जीव पर छाले पड़ गए। कमर कमान हो गई, पर शबरी मौत से नहीं डरती। राम जी के आने से पहले शरीर छूट नहीं सकता, गुरु जी का वचन है, राम आएंगे, जरूर आएंगे। और देखिए, शबरी माता के प्रेम ने श्री राम और लक्ष्मण को खींच ही लिया। वो खिंचे चले आए माता शबरी के पास। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिसी विदिशी हुमाही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। असुरों के अनाचार से दुखी पृथ्वी गौ माता का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास मुनियों व देवताओं के साथ जाती है। ब्रह्मा जी उन्हें धीरज रखने को कहते हैं तथा सभी भगवान से मिलकर अपना दुख रखने की बात करते हैं। भगवान कहां मिलेंगे इस बारे में सभी अपनी अपनी बात रखते हैं। शिव जी कहते हैं कि मैंने भी भगवान के मिलने के बारे में अपनी बात कही कि भगवान सभी जगह समान रूप से व्याप्त हैं तथा वे प्रेम से प्रकट होते हैं। वह देश काल दिशा बताएं जहां प्रभु ना हो, अर्थात सभी जगह हैं। तो कहने का मतलब है कि आप राम जी को प्रेम करके उनकी कृपा पा सकते हैं। जरूरत है तो बस प्रेम से पुकारने की, प्रेम से उनका मनोहार करने की। अतः राम राम जपें और राम प्रेम मिलना शुरू। जपो रे भैया सीता राम, रघुपति राघव राजा राम। तो बोलो जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग नई कथा लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।